इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ इस चैनल में। मोटिवेशनल चैनल है और इसमें आज हमारे जो गेस्ट हैं वो उनकी स्पीच और उनसे जो बात करेंगे वो भी बहुत मोटिवेशनल होगी। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनसे इनका ताल्लुक है, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग पे हैं और ये बताएंगे आज हमें कि ये इन्होंने यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं और CSS क्या होता है। बेसिकली हम चाह रहे हैं न्यू जनरेशन को पता चले कि CSS करना ही काम नहीं है, आगे कितनी कैटेगरीज हैं और उनमें क्या क्या पोस्ट मिलती हैं और किस तरह मिलती हैं, क्या मेरिट पे मिलती हैं, अगर मेरिट पे मिलती हैं तो हमें किस तरह मेहनत करनी चाहिए और हमें किस तरह इसको लेके चलना चाहिए। हमारे टीचर्स, हमारे माँ बाप हमारा साथ देते हैं लेकिन हमारा कोई टारगेट नहीं होता, हमारा उस वक्त फ्यूचर नजर आता है जब हम अपना आप देख रहे होते हैं। कभी हमने नहीं ये सोचा कि हमें करना क्या है। ये प्रोग्राम कराने का पर्पज यही होता है कि आप बचपन से आप फ्यूचर को ले के सामने रख के एक टारगेट रखें और उसी को चेज करें। रुमेल नईम जॉन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं अपने इस नेशनल न्यूज पे। आप हमारे लिए फखर हैं, कम्युनिटी के लिए फखर हैं और वाहिद आप 2021 में एग्जाम में अकेले क्रिश्चियन थे और खुदावंद ने आपको बहुत इज्जत दी है, खुदावंद का शुक्रिया। और आपके माँ बाप कितना प्राउड फील करते होंगे, इसी तरह हमारी कम्युनिटी भी बहुत प्राउड फील करती है आपको इस सीट पे देख के। तो आप क्या हमें बताएंगे कि आपने यहाँ तक कैसा सफर किया है, कहाँ से तालीम हासिल की है और CSS होता क्या है और इसमें जो कैटेगरीज आती हैं वो 12 कैटेगरीज हैं, क्या वो सारे असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं? सबसे पहले मैं खुर्रम साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और नेशनल न्यूज का भी कि आपने मुझे आज दावत दी और ये मौका फराहम किया कि मैं आऊं और आकर गुफ्तगू कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि इसके वसीला से बहुत से ऐसे हमारे नौजवान भी होंगे और एस्पिरेंट्स होंगे CSS के और हमारी कम्युनिटी भी इन जनरल, जो इससे फायदा भी हासिल करेगी, कुछ ना कुछ सीखेगी भी और मेरा ख्याल है कि और कुछ नहीं तो मोटिवेट जरूर होगी। तो इस सब काविशों के लिए मैं आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वेलकम सर, आप आए, आपने टाइम निकाला, हम चाह भी यही रहे हैं। हमारा मोटिवेशनल प्रोग्राम का पर्पस ये होता है कि हम न्यू जनरेशन को बताएं कि उन्होंने क्या टारगेट लेके चलना है फ्यूचर के लिए। तो आपने अभी मेरे से काफी सारे सवाल पूछ लिए तो हम एक एक करके कोशिश करते हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि CSS किसका एब्रीवेशन है। जी, CSS जो है इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है वो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। और सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का जो इम्तिहान है ये हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC इसको कंडक्ट करता है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और इस एग्जाम के अंदर आपसे तकरीबन 1200 नंबरों के आपसे जो है सब्जेक्ट्स जो हैं उनके इम्तिहान लिया जाता है, जिसमें तकरीबन अगर हम एक 200 नंबर का इम्तिहान साइट पर करें तो 11 सब्जेक्ट्स जो हैं तकरीबन आपके बन जाते हैं जिनका आपने इम्तिहान देना होता है और उनको पास करना होता है। और उनको पास करने के बाद जो है आप अगले मरहले में जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर एंटर होने के लिए। तो CSS का अगर मुख्तसर सा दो मिसरों में अगर एक तारुफ अगर आप मुझे कहें तो वो यही होगा। गुड, आपने तालीम जो है वो कहां से हासिल की और क्या ये आपने पहले सोचा था कि आपका फ्यूचर जो होना चाहिए या आपने ये टारगेट रखा था कि आपको ये बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, या आपने देखा जब सफर कर रहे एजुकेशन के साथ तब माँ बाप ने कुछ सोचा? जी, इसके पीछे एक हमारे पास ना एक बड़ा वो एक हिस्ट्री का एक वो पहलू भी शामिल है। और ये एक बड़ी जो लोग अक्सर एक बात क्या करते हैं कि एक डॉक्टर का बच्चा जो है वो डॉक्टर बनता है, तो यकीनन ये बात इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मोटिवेशन हमेशा होती है। मेरा इस इम्तिहान की तरफ आना और इस इम्तिहान के अंदर बैठने की एक बहुत वजह यह भी थी कि मेरे घर से मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी, एक पुश था एक इसकी इम्पोर्टेंस का और इसके बेनिफिट्स का और इसकी सिग्निफिकेंस का पता था। तो मेरे वालिद साहब जो है वो खुद भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उनकी गाइडेंस मुझे हमेशा से रही। और मेरे अंकल सलीम मसीह संधू साहब वो जो हैं अभी अब
खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया, हमें मौजूद नहीं है, मगर उनकी हमेशा से उनकी गाइडेंस जो है रही। तो मेरे वालिद नईम जान साहब और मेरे अंकल, ये घर में एक मुझे ऐसी मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन भी और गाइडेंस जो थी वो अवेलेबल थी, मुयस्सर थी, कि मैं अपनी लाइफ की उस एज में जिसमें इंसान सोच रहा होता है कि उसने वो कौन सा ऐसा अपने लिए पेशा जो है वो अपनाना है, जिसमें उसने कौन सी सर्विस है जिसमें उसने उम्र गुजारनी है, तो उसमें मुझे इन लोगों का बहुत एक सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंट रोल था मेरी डिटर्मिनेशन में कि मैंने कौन सी जो है ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। नाइस। आपके वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आपके अंकल जो थे वो भी मेरे ख्याल हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो भी, तो इसका मतलब आप एडमायर हुए हैं तो आपने इन दो बंदों से। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी सोचा कि मतलब और कुछ नहीं तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में जाया जाए जहां कम से कम और कुछ नहीं तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर सकें। बिल्कुल। वेल, आपने तालीम कहां से, मैट्रिक कहां से की? मैट्रिक जो है मेरी वो कैथीड्रल 2-4 चर्च रोड लाहौर, कैथीड्रल वाज द स्कूल जहां से मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। और अबाई गांव कौन सा है आपका? मेरा अबाई गांव जो है वो दो चक बैतलहम, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो उकाड़ा के अंडर आता है। ये भी मेरे ख्याल में टोटल क्रिश्चियन गांव है एक। जी जी बिल्कुल, आपको नाम से आइडिया हो गया होगा इसीलिए। तो आपने ये अपने लिए जो सोचा, आप क्या चाहेंगे हमारी जनरेशन क्या करे, इसमें किस तरह चले कि वो भी कल को, मैं ये नहीं कहता कि असिस्टेंट कमिश्नर ही सारे बने, ये जो 12 कैटेगरीज आती हैं उनमें मुख्तलिफ लोग आते होंगे, मुख्तलिफ शोबे आते होंगे, क्या ऐसा कुछ शोबा बताएं जो हमारी जनरेशन चाहे कि जो हासिल करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, आया अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहिए, अच्छे स्कूलों में चाहिए, अब गांव में भी तो बहुत स्कूल है ना। बिल्कुल। अब गांव वाला बच्चा तो है वो तो फिर ये सोच ही नहीं सकेगा, अगर वो बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए वो नहीं सोचेगा कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता हूं, क्या वो आप उसको इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वो भी गांव वाला बंदा जो गांव टाट पे बैठ के पढ़ रहा है वो भी कल का असिस्टेंट कमिश्नर बने? ये बहुत आपने खूबसूरत बात की, और इसको अगर हम इसकी असल तफसील को समझना चाहें तो उसके पीछे एक शख्सियत है जिसका मैं नाम लेना बहुत जरूरी समझूंगा, वो थी शहबाज भट्टी शहीद। शहबाज भट्टी शहीद और उनके साथ मोहतरमा नजमी सलीम साहिबा, जो ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस के प्लेटफॉर्म से उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम किया, उनका ये विजन था जो वो ये था कि हम अकलियतों को इस तरह का एक कोटा फराहम करें जिसमें वो मोटिवेट हो, जब इंसान को पता है कि उसके लिए एक जगह पर रिजर्व्ड सीट है और किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, तो उस सूरत में वो मेहनत भी ज्यादा दिल से करता है और जाहिर बात है उसकी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है। तो 2009 के अंदर जब ये कोटा अप्रूव हुआ तो उस कोटे के बाद आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी सीएसएस के 12 ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप के अंदर आपको जो है कोटा और कोटे की निश्चित स्टाफ के लिए अवेलेबल थी, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को ये मोटिवेशन मिली कि जब हमारे लिए अवेलेबल है तो एग्जाम आपने ओपन मेरिट पे क्लियर करना है, मगर एग्जाम के बाद अगर आपकी कोटे की निश्चित स्टाफ को अवेलेबल है और आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आप उन सीट्स को भी टेकअप कर सकते हैं। और इससे हमें वो मोटिवेशन मिली कि मैं अगर आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं तो शायद आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पिछले साल पीएमएस के अंदर हमारे जो हैं 3 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से तीनों ही जो हैं देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, और सीएसएस के अंदर भी हमारे सीनियर्स हैं सर्विस के अंदर इस वक्त पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ही हैं, जिन्होंने जो साहिवाल से और हाफिजाबाद से और इस तरह मुख्तलिफ देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको बल्कि बड़े शहरों से उतने नाम नहीं मिलेंगे जितने आपको देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग। कभी कोई सेमिनार हो किसी ऐसे गांव में हो, दही एरिया कोई भी ले लें किसी किस्म का पूरे पाकिस्तान में, क्या आप उस सेमिनार में जाएंगे, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा, बल्कि मैं बताता चलूं कि मैं 2 से 3 देहात में ऑलरेडी जा चुका हूं और वहां पर जाकर जो है इसको इस उनको जाकर गाइडेंस दे सका हूं ताकि कम से कम वो इस फील्ड को कंसिडर करें। बल्कि यहां पर मैं गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज एसोसिएशन का भी जिक्र करना चाहूंगा कि वो शहबाज भट्टी के उसके जो मैनेजमेंट है, सारी लीडरशिप है, वो शहबाज भट्टी के बड़े क्लोज अलायंसेज रहे, तो उन्होंने उसके विजन को उनकी शहादत के बाद इस तरह लेकर चले कि 2018-17 से ऑनवर्ड्स उन्होंने 7-8 लाहौर में बड़े लेवल के सेमिनार्स करवाए,
जिनके वसीला से बहुत लोगों ने जो है गाइडेंस दी। और मैं पर्सनली बताता चलूं, क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो मैं जब इन सेमिनार्स को अटेंड करता था तो मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन थी। कुछ मैं लोगों की बल्कि नाम भी लेना चाहूंगा, हमारे निहायत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने उस वक्त आकर स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आकर लेक्चर्स दिए। सर्विस के अंदर आने वाली जो है पर्क्स, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, इन सब चीजों से भी हमें आगाह किया, जिनमें सलीम संधू साहब हैं और मैडम फौजिया सलमान हैं और मैम अजूबा अजीम हैं, वो भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। आप हमें बता सकते हैं कि ये जो 12 कैटेगरीज रखी हुई हैं सीएसएस के एग्जाम वाली, मेरिट पे लोग जाते हैं? एग्जाम मेरिट पर होता है, उसके बाद आगे जाकर कोटे की मुख्तलिफ डिविजन हो जाती हैं। एक आपका प्रोविंशियल कोटा होता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड होते हैं, फिर आपका जो है वुमेन कोटा होता है, फिर आपका जो है माइनॉरिटीज का कोटा होता है जिसमें आप माइनॉरिटीज की जो है रिजर्व्ड जो नशिस्तें होती हैं वो होती हैं। लेकिन जब हम कोई भी बंदा, मतलब 20 लोग हैं वहां पे माइनॉरिटी की ले ले या वैसे ले ले, 20 लोगों में वहां पे पोजीशन सिर्फ 10 लोगों की है, लेकिन एग्जाम पास सारे कर लेते हैं, वो जो 10 बचते हैं उनका क्या होता है? क्या वो मेरिट में ही लेते हैं ना? हाँ, अगर इनका मेरिट बनता है, हाँ इन सब का मेरिट बनता है, और वो इस तरह से होता है कि उसमें सारे कोटे को कंसिडर कर और उसके अलावा जो है आप देखेंगे कोटे को कंसिडर कर आपका एग्रीगेट देखकर, ये सारी चीजें देखकर जो उस मेरिट में फॉल करता है उसको सीट्स मिल जाती हैं, और जिनको नहीं होता उनको फिर दोबारा से जो है अगले साल दोबारा से रिटर्न एग्जाम की अटेम्प्ट से आगाज करना। ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपके साथ आज ये बात हो रही है। आप आवाम को बताना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम आवाम जो सुन रही है इस वक्त, व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, क्या ये सीएसएस के सिर्फ रिटन एग्जाम होते हैं, इसके अलावा भी कोई आगे टेस्ट वगैरह आते हैं? ये बड़ा अच्छा जो है सवाल है। इस तरह से कि रिटन एग्जाम जब आपका पास होता है और आप उन चंद 100 में से होते हैं जो उस रिटन एग्जाम को पास कर चुके होते हैं, मगर बल्कि मैं साल का अगर आपको फैक्ट्स बता दूं तो इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करने वाले तकरीबन 45,000 से 50,000 होते हैं। तो रजिस्टर करकर जब हम आते हैं, वो लोग जिन्होंने इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया तो वो नंबर कम होता है, और उसके बाद जो इस एग्जाम को पास करते हैं वो तकरीबन इस साल 365 ऐसे कैंडिडेट्स से जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया। मगर ये बात हमें याद रखनी है कि वो सारे कैंडिडेट्स नहीं है जिनको ऑफिस मिलता है। सीट्स इस साल 205 थी, तो वो क्या ऐसे मराहल हैं जिनके अंदर वो प्रोसेस है जिसको आपने गुजर कर क्लियर कर आपने जो है एक ऑफिस तक पहुंचना है। तो रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी मेडिकल असेसमेंट होती है जिसमें आप अपनी मेडिकल फिटनेस, जिसमें मुख्तलिफ तरह के आपके टेस्ट होते हैं, वो आप सबमिट करते हैं। उसके बाद आपकी साइकोलॉजिकल एक रिटन टेस्ट होता है, 2 दिन का प्रोसेस होता है। उस रिटन टेस्ट में आपने मुख्तलिफ जो है वो जो है फॉर्म्स उनको फिल करना होता है। फिर आपकी ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक पैनल होता है साइकोलॉजिस्ट्स का जो आपको ऑब्जर्व करता है, और बाय द एंड ऑफ दीज 2 डेज आपका साइकोलॉजिस्ट्स के पैनल के साथ एक इंटरव्यू होता है जिसे साइकोलॉजिकल इंटरव्यू कहते हैं, और उस इंटरव्यू के अंदर वो आपको एनालाइज करते हैं, और आपको इन केस अगर उनको कोई मेजर उनको कोई फ्लॉ नजर आता है तो वो नॉट रिकमेंडेड भी कर देते हैं, पर उसके सूरत दीगर वो ये करते हैं कि आपको अप्रूव करके फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू आता है, और फाइनल इंटरव्यू के अंदर आपका मेन पैनल होता है जिसमें हमारी दफा जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, तीन चीफ सेक्रेटरी साहब थे और एक एम्बेसडर साहब थे, वो बैठकर आपसे जो है इंटरव्यू करते हैं, वाइवा लेते हैं, एंड इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद ये सारी चीजों का एग्रीगेट बनता है, और फिर उन 205 जो कैंडिडेट्स का तयन किया जाता है सीट्स के मुताबिक होता है जिनको कोई ना कोई दफ्तर दिया जाता है। आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 बहन भाई। दूसरा भाई क्या? बहन है। वो क्या करती है? बहन जो है वो एमफिल इंग्लिश है, और साथ वो जो है बतौर लेक्चरर गवर्नमेंट में ही बतौर लेक्चरर ग्रेड 17 इंग्लिश में उनकी जो है रिसेंटली सिलेक्शन हुई है। यानी आपने गवर्नमेंट को ही चूज किया कि यही अदारा एक अच्छा अदारा है? नो डाउट अच्छा है, बहुत अच्छा किया आपने। आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा गाइड किया है कि खाली सीएसएस लफ्ज लेके ही नहीं चलना, उसके पीछे क्या क्या करना है, स्टडी क्या है, आगे इंटरव्यूज क्या है, और इंटरव्यू के लिए भी आपको कैसे तैयार करना है,
इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें और गाइड करना चाहें कि सीएसएस के लिए क्या करना चाहिए उनको? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि मैं इसको एक बोझ भी समझता हूँ, क्योंकि हर शख्स जो है वो एक अपनी सोच और फिक्र रखता है। आपने हमें अपने व्यू देने हैं तो वही लोग लेके चलेंगे। मैं बिल्कुल इसको इस जिम्मेदारी को लेता हूँ अपने ऊपर, और मैं समझूंगा कि शायद इस तरह से समझना इसको आसान है कि अगर मैं अपनी सोच और फिक्र का आपको जिक्र करूं, ये है कि मेरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला हुआ, मगर मैंने उस वक्त सोचा कि अगर जब मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना और मेरा माइंड उस तरह का नहीं है, शायद मैं उसके अंदर पूरी जिंदगी अपना सर्विस ना खुशी से कर सकूं, तो फिर मैं एक सीट नहीं जाया करूंगा उसकी, और उसकी बजाय मैं लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आकर मैंने। सॉरी, इससे एक बात, हमारे माँ बाप हमारे गाइड करने वाले लोग थोप देते हैं ना चीजें, बिल्कुल, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बताया हमें, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि नहीं, हमें अपने माइंड के मुताबिक, हमें अपने मुताबिक चलना है कि हम किस काबिल हैं, हमें उस लाइन को इख्तियार करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं बल्कि बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी के टाइम के अंदर भी मेरे कुछ प्रोफेसर कहा करते थे कि ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जाके बैठेगा, इसकी शख्सियत से मैं चीज लगती है, तो वो एक मोटिवेशन भी होती है, और दूसरा आपने खुद आगाही भी होती है, आपको पता है कि आप किस फील्ड में ज्यादा बेहतर करेंगे। सीएसएस चुनने की एक वजह ये भी थी कि पब्लिक आप सर्वेंट होते हैं, और जब आप पब्लिक सर्विस के अंदर होते हैं तो वो बहुत जरूरी है कि आपकी पब्लिक इंटरेक्शन है, और आप लोगों को एक ऐसे तरीके से उनकी खिदमत कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो हमारे साथ ही सर्विस में है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में है, वो ये बताते हैं कि मैं डॉक्टर जो है एक टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़कर और ग्रेजुएट होकर मैं दोबारा सर्विस में आया, कि मुझे ये मैंने रियलाइज किया 2-3 साल की उसकी सर्विस में कि अगर मैं दिन में 5-7-8 पेशेंट्स को फायदा दे सकता हूं, तो मैं सीएसएस करकर एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन में आकर शायद मेरा एक पॉलिसी या मेरा एक फैसला जो है टाइमली फैसला, वो शायद सैकड़ों या इनसे भी ज्यादा लोगों को बेनिफिट जो है फायदा दे सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी जिंदगी जो महज आपकी अपने लिए आप जिए, उसमें वो लज्जत नहीं है, उसमें वो फायदा नहीं है, बल्कि आप इस तरह की पोजिशन में आए जिससे ना सिर्फ आप अपने लिए तो आप जिंदगी गुजारी लेंगे, मगर आपके आस पड़ोस के लोग भी, आपकी खानदान भी, और सबसे बढ़कर आपकी कम्युनिटी भी उससे फायदा लेगी, और आप उसको बिल्ड करने में अपना जो है एक अहम किरदार अदा करेंगे। थैंक यू रोमेल नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की बात सुनी, सीएसएस क्या होता है आपने उनके बारे में जाना, हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए आपने उनके बारे में सुना, उन्होंने कहां से तालीम हासिल की और आज वो कहां पर किस पोस्ट पे हैं। खुदावन का बड़ा शुक्र है, ये हमारे लिए एक फखर है कि हमारी कम्युनिटी का बंदा, हमारा क्रिश्चियन भाई इस पोस्ट तक जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। ये टारगेट जेन में रखें, एजुकेशन और साथ साथ आपकी मेहनत है, जब तक आप मेहनत नहीं करें एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि हमेशा अपने जो सुपीरियर, हमारे जो माइनॉरिटी में लोग हैं, उनसे मिला करें, उनसे मुलाकात किया करें, उनसे पूछा करें, डिस्कस किया करें, ना कि अपने घर में बैठ के अपना टारगेट बना के लाइफ का बैठ जाए। नहीं, मोटिवेशन होती है जब आप उनसे बातें करते हैं। तो काइंडली जरूर कमेंट्स में दीजिएगा आज के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, इनकी लाइफ के बारे में भी, और आने वाली नस्लों के लिए भी कमेंट्स में दीजिएगा, और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। खुदा हाफिज़।